नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अवरल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के स्टॉक शेयर बाजार से हटाए जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सुरक्षा ग्रुप ने पिछले महीने अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT से मंजूरी के बाद जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। सुरक्षा ग्रुप ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को दिवाला प्रक्रिया के जरिए अधिग्रहित किया है। NTA की तरफ से कहा गया है कि 12 जून को हुई बैठक में छात्रों का डर दूर करने के लिए कुछ निर्णय किए गए हैं। समिति का विचार है कि 1563 उम्मीदवारों को नीट परीक्षा के लिए दोबारा परीक्षा देनी होगी। 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। जो लोग इस पुनः परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के परीक्षा देनी होगी। T20 विश्व कप में भारत और कनाडा के बीच शनिवार को मैच खेला जाना है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही बाढ़ की संभावना भी जताई है। गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद शनिवार और रविवार को भी हालात ठीक होने की उम्मीद नहीं है। इसी वजह से भारत कनाडा के मैच पर संकट के बादल हैं। टीम इंडिया सुपर 8 में जगह बना चुकी है। अगर यह मैच रद्द होता है तो उस पर कोई असर नहीं होगा। भारतीय फिल्म अभिनेत्री और अभिनेता नेता बनी शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में है। रिपोर्ट्स है कि वो बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल संग 23 जून को शादी करने जा रहे हैं। सोनाक्षी और जहीर रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे, लेकिन सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बारे में नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पेमा खांडू ने आज लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से विधायक खांडू को राज्यपाल के टी परनाइक के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई अन्य नेताओं की मौजूदगी में शपथ दिलाई। इसी तरह देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए अवरल टाइम्स के साथ बने रहें। धन्यवाद।